नेवालीपाडा शिरवली विरुद्ध नेवालीपाडा 18 तारखेला पहिली मॅच शिरवली विरुद्ध नेवाली पहिली लढत असेल तर दुसरी लढत भाल बी विरुद्ध पाले कापरी सिद्धी पाले विरुद्ध भाल बी दुसरी लढत आहे आणि तिसरी लढत असेल या स्पर्धेतली कोणी चितूर ग्रुप कोणी विरुद्ध चिंचपाडा ही लढत असेल तिसरी आणि चौथी लढत या स्पर्धेतली पागड्याचा पाडा विरुद्ध मांगरूळ ह्या आहेत 18 तारखेचे लाईव्ह लॉट्स तर आपण सामन्याकडे जाऊया मॅच स्टार्ट गेम ऑन लेट्स प्ले थँक यू सो मच खोणी या स्पर्धेचे आपण लाईव्ह लॉट्स पाहिले योगेशजी मडवी यांच्या माध्यमातून ते सादरीकरण राहिले आणि त्यानंतर आता लक्षवेधी कामगिरी पाहायला मिळेल या दोन संघांदरम्यान कारण पहिल्या फेरीतील लढती आता समाप्त झाल्या आता वेध लागले ते दुसऱ्या फेरीतील लढतींचे आणि दुसऱ्या फेरीतील पहिली लढत पाहायला मिळते ते एकीकडे संघ पाहायला मिळतो नागाव त्यांच्या विरोधात संघ पाहायला मिळतो वाकळण एक धडधाकड अशी आपण खेळीची उत्पत्ती पाहता चांगला फटका खेळला आहे सीमारेषे लगत हा चंडू जातो आणि त्या ठिकाणी शत्ररक्षक सज्ज असताना अविनाश त्या ठिकाणी सज्ज होते तात्काळ चंडूची मात्र पकड केली जाते धावसंख्या धावपटलावरती जाऊन पोहोचते 5 धावा पहिल्यांदा टॉस जिंकला होता नागाव टीमनं माऊली 11 नागाव विपक्ष कळत असताना दोन्ही संघ तितकीच ताकदवर आहेत आणि या ताकदवर संघांमध्ये लढणारी आपण मॅच पाहता युद्ध प्रहार केला दमदार वार केलाय शत्ररक्षक सज्ज असतील त्या ठिकाणी सज्ज होता ऋषी बोईलनं चंडूला जस्ट केलं तात्काळ 10 इथे बनताना पाहिल्यात 2 आणि आता धावसंख्या जाऊन पोहोचते ती 7 धावा धावपटलावर द्वितीय फेरीतील ही पहिली लढत आहे दोन्ही संघांचे पाठीराखे मोठ्या संख्येनं या मॅचला एन्जॉय करतायत तितक्या संख्येनं खऱ्या अर्थानं प्रेक्षक मैदानाच्या सभोवताली इथे पाहायला मिळतात पा वेगवान चंडूची आपण सबर पाहिली पंचांचा इशारा इथे बाईट बॉल अवांतर धावसंख्या क्रमांक पहिली आणि बॉलिंग ट्रॅकवरती गोलंदाज सज्ज असताना मोतीराम भोईर मोतीरामला चांगलं काम या पहिल्या षटकामध्ये सफर करावं लागेल 4 षटकांची लढत आहे आणि 4 षटकामध्ये चांगला खेळ इथे सादर करायचा आहे आता ड्रिंक्स ब्रेक होणं कठीण आहे याची सर्व संघनायकांनी नोंद घ्या प्रहार प्रहार करण्याचा प्रयत्न राहिला जोरदार अपील राहिली आहे जीत चेंडूपर्यंत गेले होते आणि त्वरित लेग बायच्या स्वरूपामध्ये ही धाव इथे अंकित केली जाते धावसंख्या गुणतालिकेवरती जाऊन पोहोचत असताना बिनगडीबात 9 धावा धावपटलावरती पाहता पा लाईव्हच्या स्वरूपामध्ये जे प्रेक्षक वर्ग या स्पर्धेला एन्जॉय करतायत त्यांच्यासाठी खऱ्या अर्थानं पर्वणी आहे ड्रोनच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं क्षणचित्र टिपलं जात ओम साई MTC स्पोर्ट्स या लाईव्ह प्रक्षेपण वाहिनीच्या माध्यमातून जबरदस्त प्रक्षेपण पाहायला मिळतं चांगला फटका प्रहार केला दमदार पद्धतीनं वाईडिश लॉंग ऑनला तिथे शत्ररक्षक धावतायत सज्ज होते गणेश त्वरित या चंडूगणिक धावा आपण म्हणताना पाहिल्या 2 धावपटलावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते 11 धावा एकही इथे बाद होत नाहीये ही मात्र जमेची बाब आहे ती माऊली 11 नागाव टीमसाठी कारण बॅटिंग मार्क प्रितेश आणि विशाल या खेळाडूंना एक विशालमय कामगिरी इथे साकार करायची आहे समोर बॅटिंग मार्कवर पुन्हा एकदा प्रितेश प्रेमा टाकणारा फटका खेळण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी सज्ज होते किरण मात्रे अप्रतिम चेंडूची त्यानं अडवणूक केली मिड ऑफला आणि तात्काळ इथे त्वरित धाव प्राप्त झाली सिंगल आणि अशा रीतीने पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त धावा लागल्या धावपटलावरती बिनगडी बाद माऊली 11 नागाव 12 सन्माननीय अनिलजी बांगर यांना विनंती आपण मंचकावरती आपलं सहर्ष स्वागत कारण ग्रामस्थांचं विशेष योगदान या स्पर्धेकरिता पाहायला मिळतं एक दमदार पद्धतीचं आयोजन आमच्या आयोजकांच्या माध्यमातून साध्य केलं जातं
आणि आता वेध लागलेत त्या दुसऱ्या फेरीतील लढतींचे आणि द्वितीय फेरीतील पहिली लढत आता मात्र इथे साकार होते. वाकलन वर्सेस नागाव एक दमदार लढतीचा आगाज आहे. टायमिंग इथे अलर्ट आहे पहा, एकूण 2 मिनिटं पाहायला आली आहेत आणि इथे आपण एकूण 1 षटकाचा खेळ समाप्त होताना पाहिला. 23 मिनिटांच्या आतो आत इथे खेळाची उत्पत्ती आपल्याला साकार करायची, कारण 4 षटकांच्या लढती या द्वितीय फेरीतील आपणास पाहायला मिळतील. गोलंदाज जीत भोईर तयार. पहिलाच बॉल सलमान देण्याचा प्रयत्न, बॅटिंग मार्क वर प्रितेश काय देखणे फटके साकार करतो. कुठल्या प्रकारे रिक्स इथे उचलत नाहीये, जबाबदारीनं खेळाची आखणी त्याच्या माध्यमातून केली जाते, कारण माइंडसेटनं खेळतायत. तिसऱ्या आणि चौथ्या षटकामध्ये त्यांना आक्रमण चढवायचंय हे प्रथम दर्शनी इथे पाहायला मिळतं, कारण कुठल्या प्रकारे जोखीम इथे उचलली नाहीये. जोखीम उचलली तर मोठे फटके येऊ शकतात. पुन्हा एकदा सन्मान, सन्मान देण्याचा बहुमान. अलाम द कार्पेट ऑफ ड्रॉ खेळण्याचा प्रयत्न, धोका आहे रन आउटचा. पहिला दे धक्का, पहिला मोहरा गारद होतोय माऊली 11 नागाव टीमचा. विशाल बॅक टू द पवेलियन. ओलाला या संगीतावरती आमचे डॉरीमॉन पूर्णपणे थिरकत आहेत. आज प्रेक्षकांना खूप हसवलं, एक एंटरटेनमेंट त्यांच्या माध्यमातून केलं जातं. करमणुकीचं साधन सध्याच्या घडीला आपण संता मंताची आपण जोडी पाहता. लक्षवेधी कामगिरी त्यांची या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळते, कारण शिल्लर पाटील इथे एन्जॉय करण्याचं कार्य या दोन व्यक्तिमांच्या माध्यमातून पाहायला मिळतं. ओहो इथे लाईन पाहावी लागेल, पंचांचा इशारा इथे बाईट बॉल. धावसंख्या मात्र आकार घेईल, संघी कोट्याची धावसंख्या जाऊन पोहोचते. एकूण 16 धावा धावपटला भरती. जीत भोईर या षटकामध्ये आपली दहशत मात्र प्रस्थापित करत असताना, आणि त्याची जीत होईल का हे सुद्धा पाहायचं आहे. ओहो सुरेख, सुरेख पद्धतीचा चंडू सफर केला, बोल्डिंग दंडा बाहेर, दांडी गोल करणारी पॉवरफुल गोलंदाजी पाहायला मिळते वाकलन टीमच्या जीत भोईरकडून. माऊली 11 नागाव टीमची एक अजून एक विकेट गेली, कारण खेळाडू बाद झाला. विशाल रनआउटच्या स्वरूपामध्ये तालमेलचा अभाव पाहिला आपण प्रितेश आणि विशाल या दोन खेळाडूंमध्ये, आणि त्यानंतर बळी पडला विशालचा, आणि त्यानंतर प्रितेश हा खेळाडूसुद्धा यष्ट्यांचा वेध घेणारा चेंडू सफर केला जीत भोईरनं, आणि खेळाडू बाद झाला प्रितेश. नवीन खेळाडू येतो बॅटिंग मार्कवरती रुपेश, त्याला साथ देण्यासाठी बंटी. इनाइट नंबर 3, इनाइट नंबर 4 इथे बॅटिंग मार्गवरती सज्ज आहे, आणि या जोडीला कमालीचा खेळ इथे साकार करावा लागेल. जितचा विचार केला एकूण चेंडू त्यानं सफर केले 3 चेंडू अतिशय घातकी सफर केले गेलेत. गुड बॉलिंग अटॅक तो इथे सफर करतो, आणि येणारे 3 चेंडू कशा पद्धतीने सफर केले जातील की फलंदाज आक्रमकतेचं उदाहरण इथे सफर करतील हे सुद्धा पाहावं लागेल. द्वितीय फेरीतील पहिली मॅच तितक्याच धाकड पद्धतीनं पाहिली जाते. हळूहळू प्रेक्षकांची गर्दी या मैदानावरती पाहायला मिळते. कापरे सिद्धी क्रिकेट मंडल पालेगाव यांच्या संयुक्त विद्यमानानं साकारलेली ही आपण भव्य दिव्य स्पर्धा पाहता. गोल रिंगणकार मैदाने आणि एखाद्या नव्या नवरीसारखं हे नटलेलं मैदान क्रिकेट पर्वणीसाठी सज्ज आहे. सुंदर सुंदर फटका खेळला, ऑफ ड्रॉ खेळण्याचा प्रयत्न आहे. डीप मध्ये हा चेंडू जात असताना तात्काळ 2 धावा प्राप्त होत आहेत. जबरदस्त रनिंग बिटवीन द विकेट या दोन खेळाडूंमध्ये पाहायला मिळतं, आणि अशा रीतीनं गुणतालिकेवरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते. 2 गड्यांची 71 धावा घडल्या गेल्या, एकूण 18 धावा लागत आहेत. समोर बॅटिंग मार्क वरती सज्ज असताना माऊली 11 नागाव टीमचा रुपेश चांगले फटके त्याला.
इथे खेळावे लागतील। पंचांचा इशारा येतो, व्हाइट बॉल, इट इज अ व्हाइट। बिना मेहनतीची धाव मात्र दान केली जाते वाकलन संघाच्या वतीने नागाव टीमला। जीत भोईरचा षटक अतिशय निर्णायक आहे। या षटकामध्ये धावसंख्या खुंटली आहे, धावसंख्या बनत नाहीये, धावसंख्या बनवावी लागेल। ऑन साइडला फटका खेळण्याचा प्रयत्न क्षेत्ररक्षक सज्ज असताना तत्काल इथे धावसंख्या आपण बनताना पाहिली। या चंडूगणिक एकूण धावा आल्या दोन। पाच सिंगल डबलला प्रामुख्याने महत्व दिले जातं, परंतु षटकार चौकारांची आतिषबाजी इथे करावी लागेल। एकही मोठा फटका अजूनपर्यंत खेळला नाहीये हा नागाव संघ, ही मात्र शोकांतिक आहे। इथे चांगले फटके खेळावे लागतील, कारण येणाऱ्या उत्तरार्धामध्ये जर मजबूत स्थितीमध्ये जायचं असेल मोठे फटके खेळावे लागतील। सुंदर फटका खेळलाय डीप एक्सा कव्हरच्या दिशेने, परंतु शतरक्षक सज्ज असताना तत्काल धावा चपलाईनं परिपूर्णपणे प्राप्त केल्या गेल्या। धावसंख्या जाऊन पोहोचते एकूण 20 धावा धावपटलावरती लागल्या। दोन षटकांचा खेळ समाप्त। थँक यू डीजे पाहिजे, मात्र पुन्हा एकदा दुरुस्ती केली जाईल। स्कोरच्या माध्यमातून धावा घडतात 29। पहा मी विनंती करतो, तुम्ही विनंती करतो भोलेनाथजी मस्कर यांना, आपल्या शुभ हस्ते आपण शंकर मामा रहाणे यांचा आदरतिथ्य सत्कार सोहळा इथे आपण संपन्न करावा। सत्कार समारंभ सोहळा स्वागत कक्षामध्ये केला जाईल। सन्माननीय अतिथिगण शंकर मामा रहाणे वेळात वेळ आपण काढून या स्पर्धेमध्ये आलात। या स्पर्धेला चार चांद लावण्याचा प्रयत्न प्रत्येक पाहुण्यांच्या माध्यमातून इथे केला जातो। अशा गोल्डन व्यक्तिमत्वांचा इथे स्वागत कक्षामध्ये सन्मान सोहळा जारी आहे। दोन षटकांचा खेळ समाप्त, धावा लागल्या धावपटलावरती, दोन गडी बाद 23। तिसरं षटक इम्पॉर्टंट आहे आणि या षटकामध्ये गोलंदाज येतोय उदेश, त्याचं उद्दिष्ट साफ आहे या षटकामध्ये धावसंख्या रोखायची आहे। त्यानंतर प्रमुख अतिथी सन्माननीय शिवाजीदादा ओले यांचाही सन्मान सोहळा इथे संपन्न केला जाईल स्वागत कक्षामध्ये। वेगवान चंडूची आपण सफर पाहिली, पण खेळाडू पाहता बॅटिंग मार्क वरती बंटी, एकही चंडू खेळला नव्हता, आता तोही तो डॉट खेळला, परंतु आक्रमकतेचं उदाहरण त्याला सफर करावे लागेल। बिना दिवाळीचे रॉकेट त्याला सोडावे लागतील बॅटिंगच्या माध्यमातून। मजबूत खांदे, चांगली उंची, एक उंचीचा दर्जेदार खेळ त्याला साकार करायचा आहे आपल्या माऊली 11 नागाव टीमसाठी। अगली पेशकश पाठोपाठचे हे दोन चुंडू इथे निर्धाव पायाला मिळत आहेत। उद्देश एक चांगलं उद्दिष्ट साधत या षटकामध्ये इकॉनॉमिकल गोलंदाजी तो साकार करतो। पहिले दोन चुंडू चांगल्या पद्धतीने त्यानं साकार केले, त्याचा सिद्धांत उपयुक्त पद्धतीने त्यानं सादर केला, परंतु बंटीला आक्रमण चढवावं लागेल। इथे शरीरयष्टीवरती चंडू अदलला जातो हे स्पष्ट संकेत संकेतस्थळावरून पंचांच्या माध्यमातून दिले जात आहेत। पंचांची भूमिका अतिशय चांगल्या दर्जाची पाहायला मिळते। एकीकडे आपण रतनजी मांद्रेकर सरांना पाहिले, परंतु या लढतीमध्ये निरंजनजी सावंत आणि त्यानंतर स्कोरलेख पंच हरेश वारिंगे स्कोरलेख पंचांच्या भूमिकेमध्ये इथे पाहायला मिळत आहेत। प्रहार प्रहार करण्याचा प्रयत्न बिटबिकेट क्षेत्रामध्ये हा चंडू जातो। ऋषीने चंडूला जज केलं, फक्त एकच जाव, सिंगल डबलनं काम जमणार नाहीये, मोठ्या फटक्यांची आतिषबाजी इथे करावी लागणार आहे। धावपटलावरती धावसंख्या जाऊन पोहोचते 2:24। संत वाहे इंद्रायणी धावांचा प्रवाह थोडासा स्लो पाहायला मिळतो, मंद धावसंख्या, परंतु आता आक्रमण आक्रमण चढवलं जातं। लॉंग लेगच्या डोईवरून चुंडू जाईल सीमा पार, मिळतील चार चौकार।
एकपेरी पडद्यावरती आपली आक्रमकता त्याने सिद्ध केली। मोठं बॅटिंग, चांगला फटका खेळला, पुन्हा तसाच फटका खेळायचा होता परंतु रोखलं जातं। मोतीरामनं तात्काळ चेंडूला जज केलं आणि त्यानंतर एक धाव इथे प्राप्त केली गेली आणि अशा रीतीने एकूण तीन षटक समाप्त। दोन गडी बाद 29 माऊली 11 नागाव। थैंक यू डीजे। पहा अपन एक एक मिनट खूब इम्पॉर्टंट है तो आयोजक करण वेनुसार आज का दिवस अपने इतने समाप्त कराएं पता मात्र आम आयोजक अपन सहकार्य करा। तीन षटक समाप्त 29 धावपटाला वरती अखेर षटका मधे बॉलिंग ट्रैक वरती तो, गोलंदाज अविनाश अविनाश भोईर या गोलंदाजा इतने वापर किया जो संगणकाच्या माध्यमातून आणि हे षटक मात्र अतिशय इम्पॉर्टंट राहील या लढतीचं। इथे धावा वेगवान करायचे आहेत आणि पहिली जाव इथे अवांतरची दिली जाते वाकलन टीमच्या वतीनं माऊली 11 नागाव टीमला। दक्ष 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन या नावानं आज वाकलन संघ खेळताना पाहतो। त्यांच्या पुरस्कर्त्यांचं मी मनस्वी आभार व्यक्त करतो आणि त्यांच्या दिशेनं खेल त्यांचा देखण्या पद्धतीने साकार झालाय। इथे विकेटचं पतन, अजून एक मोहरा गारद, झटका क्रमांक 3 माऊली 11 नागाव टीमला। ओम साई एमटीसी स्पोर्ट्स का कैमरा वर्क खूप चांगला पाहायला मिळतो, जबरदस्त क्लैरिटी विथ क्वालिटी है त्यांचं गमक पाहायला मिळतं। अविनाश ने चंडू सफर केला, त्यानंतर मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि इथे विकेट्स पतन पाहायला मिळतं। कॉटन बोल्ट स्वतः गोलंदाजन हा जेल पकडला, अप्रतिम कामगिरी या षटकामध्ये साकार करण्याचा प्रयत्न राहतोय अविनाश या खेळाडूचा। इथे डॉट बॉल, निर्धाव चंडूची समाप्ती। ही मॅच दोन्ही संघांसाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे, इथून जिंकल्यानंतर सुपर 8 मध्ये जाण्याची संधी आहे आणि त्या संधीचं सोनं करायचं असेल तर ही मॅच तितकीच इम्पॉर्टंट पाहायला मिळते ती दोन्ही संघांसाठी। अविनाश भोईर तयार, अविनाश वरती प्रहार केलाय, क्षेत्ररक्षक सज्ज असतील त्या ठिकाणी। ऋषी भोईरनं चंडूला जज केलं, अजून एक विकेटचं पतन, चौथा देधक्का माऊली 11 नागाव टीमला। ते पाऊल सावधगिरीनं टाकावी लागतील, जिथे धावसंख्येची अपेक्षा होती तिथे मात्र धावसंख्या खुंटली, धावसंख्या बनत नाहीये। पास पाहुण्यांचं इथे आदरतिथ्य सन्मान सोहळा इथे संपन्न केला जाईल। चंडू शिल्लक आहेत या पहिल्या पूर्वार्धातील 3 आणि त्यानंतर सत्कार सोहळा इथे मात्र संपन्न केला जाईल आमच्या आयोजक कमिटीच्या माध्यमातून। बॉलिंग ट्रॅकवरती दक्ष 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीमचा अविनाश भोईर तयार। अविनाश हा चंडू तेज तर्रार पद्धतीने त्याने सफर केला, फाईन लेगच्या दिशेनं रिंगणात तात्काळ चंडूची मात्र अडवणूक पाहायला मिळते। धाव मिळते ती एक या धावसंख्येने धावसंख्या आकार घेईल, सांघिक कोठाची धावसंख्या जाऊन पोहोचते एकूण 4 गडीबाद 31। धावसंख्या बनत नाहीये, धावसंख्या खुंटली आहे येणाऱ्या उत्तरार्धामध्ये। गोलंदाजांना तितकी चांगली गोलंदाजी इथे सफर करावी लागेल, आपल्या वेगवान गोलंदाजीनं खूप काही इम्प्रेस केलंय अविनाश भोईरनं।
पुढचा हा चेंडू वेगवान फटका खेळायचा होता. मिड विकेट क्षेत्रामध्ये चेंडू जाईल. क्षेत्ररक्षक सज्ज असतील. तिथे ढसाल कार्य राहिलं. बॅकअप साठी ऋषी आले. परंतु आता धाबा अतिरिक्त खर्च करावे लागतील. एकूण धाबा आल्या तीन. जिथे होत्या फक्त दोन तिथे अतिरिक्त एक धाव खर्च करावी लागते. दक्ष इलेव्हन जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीमला धावसंख्येची जमा पुंजी. धावसंख्या जाऊन पोहोचते चार गडी बाद 34. आता फक्त पहिल्या पूर्वार्धातील एका चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. समोर बॅटिंग मार्कवर माऊली इलेव्हन नागाव टीमचा नयन. नयनला नंबर वन फटका खेळायचा आहे. डीप मिड विकेटला सज्ज आहे. त्या ठिकाणी ऋषी एक चांगला झेल पकडला. झटका क्रमांक 5 माऊली इलेव्हन नागाव टीमला धावा लागल्या पहिल्या पूर्वार्धामध्ये 39-34. पहा इथे पाहुण्यांचा आदर तिथे सत्कार सोहळा संपन्न केला जाईल. मी विनंती करतो आमचे आयोजक मनोजी बांगर यांना आपल्या शुभ हस्ते. एक गोल्डन नेतृत्व एक ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व सन्माननीय लक्ष्मण बाबा वारिंगे यांचा आपण आदर तिथे सत्कार सोहळा इथे आपण संपन्न करावा. स्वर्गीय श्रीराम मस्कर स्वर्गीय नितीनजी वारिंगे चषक 2023 मध्ये सर्व पाहुण्यांचं आम्ही सहर्ष स्वागत करतो. म्हटलं जातं ज्येष्ठांचा आशीर्वाद आणि युवा पिढीची साथ यानं साकारलेलं हे क्रिकेटचं नंदनवन. आणि ज्येष्ठांचा आशीर्वाद नेहमीच आमच्या आयोजकांना लाभते असे ज्येष्ठ व्यक्तिमत्व सन्माननीय लक्ष्मण बाबा वारिंगे यांचा इथे केला जातो आदर तिथे सत्कार सोहळा. त्यानंतर पुढचे सत्कार मूर्ती विनंती करतो आमचे मित्र अक्षयजी देसाई यांना आपल्या शुभ हस्ते. सन्माननीय अतिथीगण अरुणजी देसाई यांचा सन्मान सोहळा इथे संपन्न करावा. मोठ्या मोठ्या संख्येने पाहुणा वर्ग इथे लाभलाय. त्यानंतर ग्रामस्थांचं विशेष योगदान या स्पर्धेकरता पाहायला मिळतं असे आमचे गोल्डन व्यक्तिमत्व सन्माननीय अरुणदादा देसाई ग्रामस्थ मंडळ पालेगाव यांचा हा सन्मान सोहळा इथे संपन्न केला जातो. आमचे रॉयल आयोजक अक्षयजी देसाई यांच्या शुभ हस्ते हा सन्मान सोहळा इथे संपन्न केला जातो. थँक्यू. थँक्यू सो मच. आपण खेळाचा पहिला पूर्वार्ध पाहिला. पहिल्या पूर्वार्धामध्ये 34 धावा धावपटलावरती राहिल्या. त्या माऊली इलेव्हन नागाव टीमच्या येणाऱ्या उत्तरार्धामध्ये जिंकण्यासाठी 35 धावसंख्येची आवश्यकता आहे. ती दक्ष इलेव्हन जे जी स्पोर्ट्स वाकलन टीमला आणि येणाऱ्या उत्तरार्धामध्ये कॉमेंट्री बॉक्समध्ये येतील याच गावातील भूमिपुत्र सोनू बांगर सर पालेगाव अंबरनाथ. थँक्यू. थँक्यू सो मच रोशन पाटिल. बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों. चलते हैं मैदान के ऊपर. सभी दर्शकों का फिर से एक बार दोपहर के सत्र में मैं सोनू बांगर हार्दिक स्वागत करता हूं. दोस्तों आप प्रतियोगिता देख रहे हैं. श्रीराम मस्कर और स्वर्गीय नितिन वारिंगे ट्रॉफी 2023 का पर्व है. आज प्रतियोगिता का आखिरी दिन और मुकाबला चल रहा है मैदान के अंदर. एक तरफ दक्ष इलेवन वाकलन टीम और दूसरी तरफ नागाव टीम. पहले गेंद गेंदबाज थे बिल्कुल संजय पाटिल और अच्छी डिलीवरी स्वीप करना चाहते थे बल्लेबाज वहां पर थे ऋषि. डॉट गेंद की समाप्ति. सलामी बल्लेबाज पहुंच चुके हैं ऋषि और जीत भोईर पहले बल्लेबाजी किया पर माऊली इलेवन नागांव टीम ने और बल्लेबाजी करते हुए कुल मिला के 4 ओवर में बनाए 34 रन और 35 रन का लक्ष्य रखा ओवर द विकेट. इस बार ऑप्शन की लाइन थी बिल्कुल. खिलाड़ी ने गेंद को देखा अंपायर की तरफ रख रहे और अंपायर कहते हुए कि गेंद ऑप्शन के अंदर से गई है. डॉट गेंद की समाप्ति. पावर पे का एक ही ओवर और अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी ऋषि भोईर और जीत भोईर को. मुकाबला बड़ा है. प्रतियोगिता भी बहुत बड़ी है. ओवर द विकेट उठाने की कोशिश. मिस टाइमिंग होती भी गेंद. खिलाड़ी गेंद के नीचे पहुंच चुके और थर्ड अटेम्प्ट में गेंद को बिल्कुल अच्छी तरह से पकड़ा है और फील्डर वहां पर थे मिड विकेट के ऊपर से गए थे काफी तेजी से
उदय वापरते अच्छी कैच उन्होंने ली और पहला विकेट का पतन होता हुआ लगता हुआ पहला झटका बल्लेबाजी करते हुए नक्शले बनना वाकलन टीम को। तो पहले विकेट का पतन होता हुआ बल्लेबाज आउट हो चुके ऋषि भोईर बैक टू द डगआउट और नए बल्लेबाज आ चुके अविनाश। अच्छी गेंदबाज हो रही है पावर पिक के ओवर में शानदार गेंदबाजी संजय पाटिल के द्वारा और उतनी उमदा फील्डिंग देखने को मिली खिलाड़ी वापस थे बिल्कुल उदय जिन्होंने अच्छी कैच ली और पहला विकेट का पतन होता हुआ पहला झटका लगाया वाकलन टीम को। जीत के लिए बात करेंगे तो 24 गेंदे और 35 रन की जरूरत है। ओवर द विकेट पंडे के बाद गेंद अंदर आते भी बल्लेबाज को पूरी तरह से बिल्कुल शांत रखा जा रहा है। अच्छी गेंदबाज हो रही है सराहना करना चाहूंगा मैं गेंदबाज संजय पाटिल की जो कि अच्छे खिलाड़ी है और एक अच्छे गायक भी है मराठी संगीत उनके माध्यम से हमने हमेशा सुने हैं भाई संजय पाटिल गेंदबाजी के ऊपर रहे। टोटल की बात करेंगे तो अब भी खाता खोल नहीं पाई वाकलन टीम इस मुकाबले में और इस बार टॉपेज लगी है दो दो खिलाड़ी गेंद के नीचे और एक बल्लेबाज को लौटना पड़ेगा। विकेट का पतन जीरो पे लगता बा ये दूसरा झटका नक्शले बनना वाकलन टीम को डीज है। तो ना महेश गेंदे फेंके कुल मिला के संजय पाटिल ने 5 और 2 विकेट चटकाए अब भी एक भी रन नहीं खर्च किया यानी कि मैडन ओवर देखने को मिलेगी क्या गेंदबाज संजय पाटिल के दौरान। जितनी अच्छी गेंदबाजी उतनी अच्छी फील्डिंग देखने को मिल रही है माउली 11 नागाव टीम के ओवर से। नए बल्लेबाज आ चुके मैदान के अंदर किरण अब कीजिए जीतेश आ चुके हैं नए खिलाड़ी मैदान के अंदर। आखिरी गेंद होगी क्या मेडन ओवर फेंक पाएंगे गेंदबाज संजय पाटिल। ओवर द विकेट इस बार भी गेंद हवा में खिलाड़ी पे मौजूद है और कैच ली गई और एक बल्लेबाज के पारी का अंत। इस ओवर में संजय पाटिल ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है क्योंकि 3 उन्होंने विकेट चटकाई है और एक भी रन खर्च नहीं किया है यानी कि मेडन ओवर फेंकते हुए इस मुकाबले में गेंदबाज संजय पाटिल बल्लेबाज के पारी का अंत। टोटल लक्ष्य रखा गया 35 रनों का और जो शुरुआत की जरूरत थी ना गेंदबाजी करते हुए माउली 11 नागाव टीम को वो शुरुआत की है बिल्कुल गेंदबाज संजय पाटिल ने एक भी रन खर्च नहीं किया है मैडन ओवर देखने को मिला और 3 विकेट भी चटकाए यानी कि पहले 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं ऋषि भोईर आउट हुए उसके बाद में अविनाश आउट हुए और अब जितेश भी आउट हो चुके हैं। नए बल्लेबाज पहुंच चुके हैं मैदान के अंदर किरण मात्रे। आज वाकली टीम में देखा जाए तो महेश केतन मात्रे नहीं है मुंबई में गए खेलने के लिए लेकिन कारनामा ऐसा करेगी क्या बिल्कुल केतन मात्रे नहीं है तो क्या हुआ फिर भी जीत भोईर अभी मैदान के ऊपर है कैसे कामगिरी करेगी कैसे बिल्कुल परफॉर्मेंस करेगी इस प्रतियोगिता में नक्शले बनना वाकलन टीम। अब जीत के लिए बात करेंगे तो 18 गेंदे शेष है और 35 रन का अब भी यहां से लक्ष्य है। तभी की बांगर इनकी तरफ से भी बिल्कुल संजय पाटिल ने अच्छी गेंदबाजी की उनको भी शुभकामना देते हुए गेंदबाज तैयार नयन। इस बार शॉट अच्छा है कबर की दिशा में खेला बा कोई खिलाड़ी वहां पर मौजूद नहीं है और खाता खुलता बा नक्शले बन वाकलन और जीत भोईर का आता बा पहला चौका। पिछले मुकाबले में भी शानदार बल्लेबाजी की थी जीत भोईर ने कुल मिला के 34 रन की पारी खेली थी और अब बात करेंगे तो इस मुकाबले में 35 रन का लक्ष्य है।
इस बार भी उठाने की कोशिश, लेकिन खिलाड़ी मौजूद है, कैच के ऊपर पहुंच नहीं पाए बिल्कुल खिलाड़ी। और जब तक उठाएंगे गेंद को फेंकेंगे तब तक मौका बना दो रन लेने का, और दो रन की मदद से टोटल पहुंच चुकी है 6 रनों के ऊपर। हमारे मंच के ऊपर अनिल बांगर भी उपस्थित है, उनका भी हम स्वागत करेंगे। हमारे चाचा हैं और उनके सुपुत्र मल्लार बांगर भी आ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। टोटल की बात करेंगे तो 6 रन बन चुके हैं और दूसरा ओवर चलता है। गेंदे अब भी शेष इस मुकाबले में। सोलह गेंदे और 29 रन का अब भी यहां से लक्ष्य, यानी कि बात करेंगे तो समीकरण 29 रन का अब भी चाहिए जीत के लिए वाकलन टीम को। नयन फिर से एक बात तैयार, गेंदबाजी के ऊपर स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज जीत बोईर। रिवर्स अटेंड करने की कोशिश, पटकी भी गेंद थी, काफी तेज तरार गेंद थी, सामना करने पाया इस गेंद का बिल्कुल ना। जीत बोईर डॉट गेंद की समाप्ति होगी, जैसे जैसे रोशन ना डॉट गेंद आएगी ना इस मुकाबले में, वैसे वैसे मुकाबले में आगे मजबूती पाएगी बिल्कुल ना। फील्डिंग करते हुए माउली 11 नागांव टीम, वापसी करते हुए अपनी टीम के लिए गेंदबाज नयन। डॉट गेंद की समाप्ति, 15 गेंदे और 29 रन की जरूरत है। नयन तैयार फिर से एक बार, ओवर द विकेट। अच्छा स्ट्रोक है, कबर की दिशा में खेला, खिलाड़ी पहुंच पाएंगे क्या? बा काफी तेजी से बिगड़े थे लेकिन गेंद उतनी तेजी से निकल चुकी है, कबर बाउंड्री लाइन के बाहर। जीत बोईर के बल्ले से आता बा दूसरा चौका। उसके बाद में 2 गेंदें अच्छी आई और एक चौथे गेंद के ऊपर जीत बोईर ने चौका लगाया। रिक्स नहीं ले रहे जीत बोईर, ग्राउंड शॉट खेलने की कोशिश कर रहे और 2 चौके जरूर आए इस ओवर में। टोटल की बात करेंगे तो 10 रन अब समीकरण बचा है। आने वाली गेंदें 14 और 25 रन का अभी लक्ष्य है। शॉट ऑन पुल करते हुए गेंद को सीधा भेजा स्टैंड के बाहर, जीत बोईर के बल्ले से आता है पहला शानदार छक्का। महेश केतन मात्रे नहीं है तो क्या बा, जीत बोईर मैदान के अंदर है और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 चौके और 1 छक्का लगाया, जब पिछले ओवर में प्रेशर बना था ना वाकलन टीम के ऊपर वो पूरी तरह से रिलीज कर दिया इस 3 शॉट में जीत बोईर ने। टोटल की बात करेंगे तो टोटल पहुंच चुके हैं 16 के ऊपर। इस बार खेलना चाहते थे सामने की तरफ, संजय पाटिल आएंगे, नहीं रख पाएंगे इनको, जब तक कवर मिलेगा तब तक मौका बना 1 रन लेने का, और इसे 1 रन की मदद से टोटल पहुंचे 17 के ऊपर। 2 ओवरों का खेल पर समाप्त हो चुका है, पहले ओवर में एक भी रन नहीं आया, बिल्कुल 3 विकेटें आई थी। संजय पाटिल ने अच्छी गेंदबाजी की और दूसरे ओवर में महंगे साबित होते हुए नयन ये गेंदबाज, कुल मिला के उन्होंने 17 रन खर्च किए और टोटल पहुंच चुके 2 ओवर के समाप्ति के बाद। नक्श 11 वाकलन टीम 17 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। जीत के लिए बात करेंगे तो 12 गेंदे और अब भी चाहिए 18 रन। ये देख सकते हैं आप टिप स्क्रीन के ऊपर तिरंगा ले रहा था, बुलेट के ऊपर लगाया तिरंगा और आज किस खिलाड़ी को ये बुलेट दी जाएगी, काफी अच्छा कैमरा वर्क। चलिए ड्रिंक्स बैंक नहीं है, 4 ओवर के लिए ड्रिंक्स बैंक नहीं है और टोटल बन चुके 17 रन। संजय पाटिल 18 रन की आवश्यकता है आने वाली 12 गेंदों के ऊपर। तो चलिए अगला मुकाबला होगा गब्बर 11 चेंज के मोडवलिपी और उसे फाइट करेगी सागव टीम। दोनों टीम के कप्तान आइए टॉस के लिए ऋतिक पाटिल, चलिए ये टॉस के लिए WBT टीम के कप्तान और सागव टीम के कप्तान टॉस के लिए शीघ्र प्रस्थान कीजिए। 12 गेंदे 18 रन की आवश्यकता है, मुकाबला कौन जीतेगा? ऐसे कई सारे मुकाबले देखे हमने, सिद्धांत देखे जाए तो वाकलन टीम के आखिरी गेंद के ऊपर 6 रन भी चाहिए रहते हैं तब भी मुकाबले जीते वाकलन टीम ने। ये बड़ी टीम है और उनसे फाइट करिए इस बार भी दूसरी बड़ी टीम यानी कि माउली 11 नागांव टीम। कौन जीतेगा, कौन सी टीम पहुंचेगी इस प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में और कौन सी टीम घर का रास्ता तय करेगी? टॉस के लिए आ चुके दोनों कप्तान तो टॉस किया जाएगा।
तो अनिल बांगर इनके शुभ हाथों से किया जाएगा टॉस। अगले मुकाबले का अगला मुकाबला होगा बिल्कुल गब्बर इलेवन चेंज द गेम मोडब्लीपी और उनसे फाइट करेगी सागाव टीम। तो 12 गेंदे और 18 रन की आवश्यकता है। गेंदबाज आ चुके रुपेश स्ट्राइक पे के बल्लेबाज सेट बल्लेबाज जीत बोईर गति परिवर्तन बिल्कुल चेंज ऑफ पेस था स्लो गिनती और अंपायर का इशारा आना बाकी है क्या बल्लेबाज के खाते में रन जाते हुए एक एक रन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि मैन ऑफ द सीरीज के लिए बुलेट है और उसकी रेस में देखा जाए तो अब भी बात करेंगे तो मनीष को लेकर पांड्या आगे है। तो अनिल बांगर इनके शुभार्थ से उतार डॉट टॉस फुल टॉस गेंद दिशा दी गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खिलाड़ी मौजूद रन मिला एक और अंपायर का फैसला आता हुआ स्क्वायर लेग के अंपायर बताते हुए कि नो बॉल है और टीम रिव्यू यानी कि तीसरे अंपायर को रेफर किया है। तो आइए रतन मानेरकर चेक करेंगे बिल्कुल तीसरे अंपायर हमारे रतन मानेरकर तो टॉस हुआ और टॉस जीता चेंज द गेम मोडब्लीपी टीम ने और तो नो बॉल है तीसरा अंपायर भी बताते हुए कि गेंद काफी ऊपर थी और नो बॉल यानी कि नो प्लस वन और नो प्लस वन यानी कि दो रन मिलेंगे और टोटल पहुंच चुके सिद्धार्थ 20 के ऊपर फ्रीट की गेंद थी फायदा उठा नहीं पाए ऑन साइड में खेला सूर्यली की दिशा में खिलाड़ी मौजूद दूसरे के लिए पलटे और दूसरा रन भी तेजी से मुकम्मल किया शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिल रही है दोनों के बीच में तालमेल अच्छा है एक तरफ किरण दूसरी तरफ जीत और टोटल की बात करेंगे टोटल पहुंच चुके हैं 22-22 के ऊपर। तो 10 गेंदे और 13 रन की जरूरत है अभी मुकाबले में विकेट की जरूरत है खास करके देखा जाए तो नागांव टीम को क्या जीत बोर की विकेट लाएंगे गेंदबाज रुपेश सफल हुए फिर से एक बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में खेला बस्ट्रोक रन मिला एक और एक ही रन से संतोष होना पड़ा टोटल पहुंच चुकी है 23-23 के ऊपर अब बात करेंगे तो 9 गेंदे और 12 रन की आवश्यकता है मुकाबला कौन जीतेगा बिल्कुल बड़ा सवाल है मैदान के अंदर यदि वाकलन टीम जीतती है तो पहुंचेगी क्वार्टर फाइनल में और नागांव टीम भी अच्छी टीम है और जीतती है तो जाएगी क्वार्टर फाइनल में कौन सी टीम पहुंचेगी क्वार्टर फाइनल में इस प्रतियोगिता में संपर्क अच्छा नहीं बनाया और मौका था विकेट कीपर के पास लेकिन गवाया यदि अगर गेंद स्टंप को छूती थी तो जीत बोर को लौटना पड़ता था लेकिन रन कंप्लीट हो चुके इस बार दो रन और टोटल पहुंच चुके 25 यानी कि 25 के ऊपर अब बात करेंगे तो 8 गेंदे और 10 रन की आवश्यकता धीरे धीरे इस मुकाबले में थोड़ी सी आगे पहुंचती भी नक्श इलेवन वाकलन टीम अच्छी प्रतियोगिता बल और अच्छा मुकाबला आज डोंबिवली की बड़ी टीमें थी सब इंप्रेस किया सभी टीमों ने कदम को इस्तेमाल करना चाहते थे गेंद अच्छी है ऑप्शन के ऊपर से निकलते भी लेकिन अंपायर का फैसला वाइड बॉल एक एक रन आपको बचाना है और एक्स्ट्रा स्वरूप से रन खर्च किया रुपेश ने टोटल की बात करें टोटल पहुंच गए इस एक रन के मजे 26 के ऊपर 8 गेंदे और अब 9 रन की आवश्यकता है राउंड द विकेट से तैयार रुपेश डिफेंस करके सामने की तरफ खेला शॉट एक्स्ट्रा कवर की दिशा में संजय पाटिल थे एक रन कंप्लीट किया जानते किरण आखिरी के ओवर में भी हम यदि विकेट रखते हैं तो रन बना सकते हैं वही किया बिल्कुल बल्लेबाज किरण मात्रे ने और टोटल की बात करेंगे टोटल पहुंच चुके 27 के ऊपर अब 7 गेंदे और 8 रन की आवश्यकता आखिरी गेंद इस ओवर की अच्छी गेंद है बल्लेबाज को बीट किया डॉट गेंद की समाप्ति मुकाबला आखिरी ओवर तक पहुंच चुका है जीत के लिए अब बात करेंगे तो समीकरण बचा है 6 गेंदे और कंपल्सरी 8 रन की आवश्यकता डीज है
आखिरी ओवर तक आ चुका है, 6 गेंदे और 8 रन की आवश्यकता, कौन जीतेगा मुकाबला, ये बड़ा सवाल मैदान के अंदर खड़ा हो चुका है। दोनों टीम के लिए के कहना चाहूंगा, रात नहीं ख्वाब बदलता है, मंजिल नहीं कारबा बदलता है, जज्बान को जीतने का, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले वक्त जरूर बदलता है। कौन सी टीम का वक्त यहाँ पर बिल्कुल बदलेगा, कौन जीतेगी इस मुकाबले को, जीतती है टीम वाकलन तो पहुंचेगी आगे, जीतती टीम तो पहुंचेगी नागांव टीम आगे, कौन सी टीम जीतेगी, जीतेगी सिर्फ एक ही टीम, और कौन सी टीम जाएगी बिल्कुल अपने घर। 6 गेंदे 8 रन की आवश्यकता, जब तक जीत बहिर मैदान के अंदर है तब तक बिल्कुल मुकाबले में कुछ भी हो सकता है। कौन से गेंदबाज होंगे जो अपनी टीम को जीत दिलाएंगे, आखिरी के मूवमेंट में आते हुए गेंदबाज बंटी आते हुए, कैप्टन ने कप्तान ने बिल्कुल भरोसा दागा इस गेंदबाज के ऊपर, क्या कप्तान का भरोसा, बिल्कुल आखिरी के मूवमेंट तक रखेंगे और मुकाबला जीत करेंगे। ऐसे कहते हैं हम हमेशा, संगीत सुनकर ज्ञान नहीं मिलता, मंदिर जाकर भगवान नहीं मिलता, लोग आज भी पूछते पत्थर को, क्योंकि इस दुनिया में भरोसे लायक इंसान नहीं मिलता। भरोसा लगा है कप्तान ने बिल्कुल गेंदबाज के ऊपर, क्या जीत दिला पाएंगे टीम को, क्या जीतेंगे इस बार इस प्रतियोगिता में वाकलन टीम। पहले गेंद क्रॉस द लाइन से खेलने की कोशिश, पहले गेंद एक रन तो कंप्लीट किया है और अंपायर का फैसला आना बाकी, बिल्कुल निरंजन सावंत सर कहते हुए लक्ष्य के काफी बाहर थी गेंद, व्हाइट प्लस वन यानी कि एक्स्ट्रा स्वरूप से मिले 2 रन, आप जीत के लिए बात करेंगे तो 6 गेंदे और 6 रन की आवश्यकता, एक एक रन आपको बचाना है, लेकिन ये एक एक रन खर्च करे गेंदबाज नागांव टीम के एक्स्ट्रा स्वरूप से। स्ट्राइक पे आते बल्लेबाज जीत बुहर, बड़ा नाम है दोस्तों, बिल्कुल कई सारी बाइक भी इस खिलाड़ी के नाम के ऊपर है। शॉट ऑन पुल किया, गेंद को भेजा बैक पर स्क्वायर लेग की दिशा में, अब मुकाबला पूरी तरह से खुला हो चुका है और आताबा ये छक्का और मुकाबला फिनिश, मुकाबला जीता नक्स 11 जीजी स्पोर्ट वाकलन टीम ने, कांग्रेचुलेशन। आदिवासी समाज के हमारे कमेंटेटर उनकी आवाज थी और मुकाबला फिनिश। चलिए लाइनअप कीजिए, शिकायत कीजिए दोनों टीम और इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के हकदार बन चुके हैं जिन्होंने गेंदबाजी की, 11 रन खर्च के एक विकेट चटकाया और बल्लेबाजी के तबे 27 रन बनाए और जीत बोहिर बने इस मुकाबले में भी मैन ऑफ द मैच के हकदार। तो चलिए जीत बोहिर जल्दी आइए और अगला मुकाबला होगा, एक तरफ होगी गब्बर 11 चेंज की मोडब्ल्यूपी टीम और उनसे फाइट करेगी सागाव टीम। तो जीत बोहिर आ चुके हैं और जीत बोहिर को दी जाएंगे मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी। तो बुरानत मस्कर इनके शुभांतों से बिल्कुल मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी दी जाएगी जीत बोहिर को जिन्होंने शानदार बल्लेबाजी की और उतनी अच्छी गेंदबाजी भी की, तो जीत बोहिर बने इस मुकाबले के मैन ऑफ द मैच के हकदार। कांग्रेचुलेशन, टीम पहुंची है बिल्कुल क्वार्टर फाइनल में और अगला मुकाबला होगा नेक्स्ट मैच असल लाटेगा सागा विपक्ष गब्बर 11 चेंज की मोडब्ल्यूपी यांच्यामध्ये सामना रंगेल आणि मॅच जब सुरू होईल येथील मायक्रोफोन मधी आमचे जवळचे मित्र मॅन फ्रॉम शिरवली ज्यांच्याकडे शब्द भांडार भरपूर आहे, एक उत्कृष्ट गायक आहे त्याचबरोबर लेखक देखील आहेत आमचे रोशन पाटील, ऑन मायक्रोफोन, थँक्यू सो मच।